दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ऐसी बेसिक चीज के बारे में जिसकी सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं नए ड्राइवर्स। लेट्स से कि आपको लर्नर जो लाइसेंस आपका मिल गया है, आप गाड़ी की प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है सबसे पहले वो आती है आपको क्लच के साथ। आप जैसे ही फर्स्ट गियर शिफ्ट करते हैं गाड़ी का और क्लच छोड़ते हैं तो झटका लगता है या तो यह गाड़ी बंद हो जाती है। अब इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूँ जिससे कि 99% आप ये वीडियो देखने के बाद खुद कहेंगे कि हाँ ये काम कर रहा है। 99% आप ना ही तो गाड़ी को बंद करोगे और ना ही झटका लगेगा। एक दो बार लग सकता है लेकिन जैसे जैसे ही धीरे धीरे 10 मिनट के अंदर आप प्रैक्टिस कर लोगे इस चीज़ के बारे में, आई गारंटी यू कि आप ग्रिप कर लोगे इस ट्रिक के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट इट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो गलती जो लर्नर ड्राइवर्स, न्यू ड्राइवर्स सबसे ज़्यादा करते हैं। अब देखिए, जब आप पहली बार गाड़ी चलाने के लिए बैठते हैं तो झटका क्यों लगता है मैं बताता हूँ आपको। लेट्स से कि हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं इस बारे में। मैंने पूरी तरह से क्लच को दबा लिया है। अब हम यहाँ से दोस्तों फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर लेते हैं गाड़ी को। अब देखिए नए ड्राइवर्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं। ये गलती, उनका जो पैर है वो इस तरह से हवा में होता है, जो एडी है वो यहाँ पे टिकी हुई नहीं होती है। अगर देखिए एडी टिकी हुई होगी तो कुछ परसेंटेज तो वहाँ पे झटका अपने आप ही कम हो जाता है। अगर आप हवा में रखेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह से आपकी जो क्लच है वो रिलीज़ हो रही है। अगर आप एडी को टिका के रखते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे पैर जो है कंट्रोल्ड वे में आपका क्लच को रिलीज़ करता है। तो इन दोनों चीज़ों में देखिए कॉमन सेंस की बात है, आधे से लोग इस बात को जानते भी होंगे, लेकिन ड्राइविंग के टाइम पे बहुत से लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अगर आपकी एडी टिकी हुई होगी इस तरह से तो एक कंट्रोल्ड वे में आपकी क्लच रिलीज होगी। अगर हवा में होगी तो आपका पैर जो है उतना कंट्रोल में नहीं होता है, इधर उधर वो जा सकता है और इसी तरह से जो है इस तरह के झटकों से क्लच को छोड़ सकता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी है वो झटका ले सकती है या फिर बंद हो सकती है ऑन द स्पॉट। तो देखिए सबसे पहली चीज़ थी ये कि एडी को टिका के रखिए, पैर आपका आपके कंट्रोल में रहेगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है। दोस्तों ये तो थी पहली चीज़ कि आप फर्स्ट गियर में क्लच को किस तरह से इन अ कंट्रोल्ड वे, एक कंट्रोल वे में आपको कैसे रिलीज करना होता है क्लच को। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। लेट्स से कि आपने जो फर्स्ट गियर में सीख लिया है क्लच को छोड़ना, झटका नहीं ले रही है गाड़ी और बंद भी नहीं हो रही है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा महारत हासिल हो गया आपको। लेकिन दूसरी चीज़ आती है, दूसरी चीज़ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है वो होता है फर्स्ट गियर में आप चलने लगे हैं, क्लच को आप दबा के दूसरा गियर शिफ्ट करते हैं और उसमें आपको जो प्रॉब्लम आती है गाड़ी जर्क करती है, आगे पीछे होती है, थोड़ा झटका सा लगता है उसमें भी। वो किस वजह से लगता है चलिए अब बात करते हैं उसके बारे में। दोस्तों इस चीज़ के एक लाइव डेमो के लिए हम चलते हैं, तो चलिए बात करते हैं। लेट्स से कि मैंने क्लच को पूरी तरह से दबा लिया है और अब मैंने फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लिया है। अब मैं मेरी एडी जो है नीचे टिकी हुई है, अब मैं धीरे धीरे जो है क्लच को रिलीज़ करता हूँ। देखिए कोई झटका नहीं लग रहा गाड़ी में और ना ही बंद हो रही है। अब मैं क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर में है गाड़ी, एक्सेलरेट नहीं करूँगा ज़्यादा। अब धीरे धीरे इसको चलने दीजिए, एक अब गाड़ी एक स्टेबल पोजिशन में है, एक स्टेबल तरीके से धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है 10-12 की स्पीड पे। लेट्स से कि अब मेरे को यहाँ पे दूसरे गियर में शिफ्ट करना है गाड़ी को। अब मैं कैसे करूँगा गाड़ी को दूसरे गियर में शिफ्ट बिना जर्क किए, बिना किसी वाइब्रेशन के। दोबारा से अपनी जो क्लच है वो पूरी तरह से प्रेस कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सेकंड गियर शिफ्ट करूँगा और धीरे धीरे क्लच को तो रिलीज़ करना ही है, साथ ही साथ एक्सेलरेट करना है हल्का हल्का। अब देखिए एक्सेलरेट करते टाइम भी मेरे को एक चीज़, यही चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है, टिप नंबर वन, कि मेरा पैर जो है इस तरह से पोजीशन होना चाहिए, एक्सेलरेटर और ब्रेक के बीच में एडी मेरी पोजीशन होनी चाहिए, पैर हवा में नहीं होना चाहिए, एक कंट्रोल वे में मेरे को एक्सेलरेट करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है एक्सेलरेटर को, एडी के और फ्लोर के बीच में गैप नहीं रखना, टिका के रखना है एडी को बिल्कुल फ्लोर पे और इस तरह से पैर को पोजीशन करना है कि एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों पे एक ही साथ मैं अपने पैर को पहुंचा सकूं।
टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा। अगर मेरे को इमरजेंसी में ब्रेक लगानी पड़ जाती है तो टाइम मैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं लूँगा और इफेक्टिवली ब्रेक करूँगा मैं गाड़ी को। आप कहीं भी आप देख लीजिए, अगर आपका पैर कहीं पे टिका होगा तो एक कंट्रोल्ड वे में आप उससे चीज़ें कर पाएंगे, अगर हवा में होगा तो वो उतना कंट्रोल में नहीं होता है। ये एक प्रूवन वे है, आप कहीं भी इसको ट्राई करेंगे तो आपको यही आप यही पाएंगे कि एडी को आप टिका के रखेंगे तो आप तीनों पैडल्स को एक कंट्रोल वे में जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से जो है फर्स्ट और सेकंड गियर को बदलने के बाद मैंने क्लच का इफेक्टिवली यूज़ किया। इफेक्टिव यूज़ डिपेंड करता है आपके पैरों की पोजीशन पे। अगर आपके पैर की पोजीशन ही गलत है तो आपको टाइम लगेगा पैरों की पोजीशन को सही करने में, और इफेक्टिवली आप तीनों चीज़ों को तीनों पैडल्स को तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पैरों की पोजीशन सही हो। उस तरह से पोजीशन होनी चाहिए कि आप अपने आप को अपने पैर को पहले सही तरह से कंट्रोल कर पाए। अगर आप पहले अपने पैर को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप पैडल्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो कंट्रोल करने का यही तरीका है। देखिए एक्सपीरियंस ड्राइवर्स को पता होता है, आदत भी पड़ जाती है, एडी टिकी हुई होती है दोनों, लेकिन नए ड्राइवर्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। वो क्या है, कुछ टाइम लग जाता है उनको इस बात को सीखने में, लेकिन कोई भी इस चीज़ को बारीकी से नहीं बताता। ये बहुत ही एक बारीक चीज़ है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपने पहली बार अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं तो आप ये चीज़ ट्राई कीजिए, दोनों ही तरीकों से पैर हवा में रखिए क्लच रिलीज़ करने के लिए और फिर एडी को टिका के रखिए, दोनों ही चीज़ करके देखिए। आप खुद कहेंगे कि इफ़ेक्टिव तरीका कौन सा है, आप ये खुद डिसाइड करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये ट्रिक कैसी लगी आपको। बहुत ही इफ़ेक्टिव है नए ड्राइवर्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अपने दोस्तों को इस बारे में बताओ यार, शेयर करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद मोर इन्फॉर्मेशन मोर नॉलेज। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।